शार्क्स। मोटापा भगाना हो ग्रीन टी पी लो। स्ट्रेस बहुत हो रहा है फिर भी ग्रीन टी पी लो। स्किन क्लियर करनी हो फिर भी ग्रीन टी पी लो। अरे भाई ग्रीन के अलावा कोई कलर नहीं है क्या दुनिया में? लेकिन एक्चुअली किसी की गलती नहीं है क्योंकि ग्रीन टी की इतनी भयंकर मार्केटिंग हुई है ना कि ना हमने कभी इसके आगे देखा ना पीछा। इनफैक्ट ग्रीन टी थोड़ी कड़वी भी होती है पर पीते चले गए। सही बात। लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? शार्क्स, काढ़ा और चाय हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट ऋषि मुनियों के जमाने से आयुर्वेद का हिस्सा रही है। इसी आयुर्वेद से हमने ढूंढा शंखपुष्पी का फूल। उसी शंखपुष्पी के फूल के साथ हमने बनाया अपना ब्रांड ब्लू टी। शार्क्स, मेरा नाम है सुनील चंद्र साहा और मैं आया हूँ कैलकाटा से। शार्क्स, हेलो, मेरा नाम है नितेश और मैं आया हूँ फरीदाबाद से। ब्लू टी एक हर्बल टी ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है फ्लावर बेस्ड टीज में। और आज हम दुनिया के सामने लाए हैं दुनिया की पहली ब्लू कलर की आयुर्वेदिक चाय। ब्लू कलर की आयुर्वेदिक चाय के कई फायदे हैं। पहली बात तो ये कड़वी नहीं होती। दूसरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है इसीलिए वेट लॉस में बहुत कारगर। इनफैक्ट स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये इतनी सूदिंग होती है कि आपके दिमाग का सारा स्ट्रेस निकाल देती है और इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता। सो आप दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार पी सकते हैं। शार्क्स, इस ब्रांड की शुरुआत हमने की थी आज से 4 साल पहले और आज 2022 में हम भारत के हर शहर में ब्लू टी को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। यही नहीं, हम दुनिया के 12 देशों में ऑनलाइन ब्लू टी को सेल कर रहे हैं। इनफैक्ट इस कैटेगरी में, ब्लू टी की कैटेगरी में, हम ग्लोबल लीडर्स भी हैं। हमारा विजन है दुनिया का नंबर 1 हर्बल टी ब्रांड बनाएं। इसलिए हमारा आस्क है 75 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 1%। वाओ। वाओ। सो शार्क्स, चलो मिलके बनाते हैं सबकी सुबह ज्यादा हेल्दी विद ब्लू टी। सुनील, नितेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। अच्छा, तो नीली चाय, आई होप इसमें जो वेट लॉस का बोल रहे हैं वो वाला नहीं है जो ग्रीन टी के बारे में बोलते हैं। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो ये पहाड़ पे नहीं उगती है। ब्लू टी जो बटरफ्लाई पी है, बटरफ्लाई पी एक प्लांट है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अपराजिता कहते हैं। अपराजिता कहते हैं, शंखपुष्पी कहते हैं। शंखपुष्पी। सर, उसे नीलकंठ भी कहते हैं। तो आपने ये डिस्कवर कैसे किया कि शंखपुष्पी, और इससे पहले आप दोनों क्या कर रहे थे, ये बताइए। आज से 5-6 साल पहले साउथ एशिया में कहीं एक आर्टिकल में देखा ये पिंक कलर का आइस टी, उसमें लिखा हुआ था नेचुरल कूलर। नेचुरल कूलर, ऊपर से पिंक, बिल्कुल पिंक, झटाक पिंक, मतलब एकदम रानी कलर वाला पिंक। तो बोले ये नेचुरल कैसे हो सकता है? हम लोग थोड़ा सर्च करने लगे और सर्च करते हुए पाया कि एक्चुअली ये मलेशिया, थाईलैंड में एक लोकल बेवरेज था जो आइस टी के फॉर्म में या फिर कूलर के फॉर्म में उसको सर्व करते थे। पहला जो लॉट था, पहला हमने सोचा कि वहाँ से एक बार पहले इंपोर्ट करके देखते हैं, बट इंडिया में इंपोर्ट करना चाय बहुत मुश्किल बात है। और हमें समझ में आ गया कि हमें ब्रांड बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो ये इम्पोर्ट वाला सिस्टम तो नहीं चल सकता। फिर हमने इसका सप्लाई चेन स्टार्ट किया बिल्ड करना। लेकिन वो तो पिंक था एक्चुअली, उसमें नींबू डालने से वो पिंक होता था। हाँ, लेकिन वो था ब्लू टी ही था। वो ब्लू, यस। गरम पीते कि ठंडी? आइस टी भी हो सकते हैं, हॉट टी भी, दोनों। ये तो इजी हो जाएगा ना, एक बार इनमें टेस्ट करा दो, इनके क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। नितेश, आपका और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने एमबीए किया रूरल मैनेजमेंट में। और सुनील ने क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है? इसका एमबीए है, इसका मार्केटिंग में है, पुणे। आपके पुणे शहर से? अरे वाह, वेरी नाइस। ये मेरे लिए अलग है थोड़ा, आपके हिसाब से देख ले। मेरा रिएक्शन एक्चुअल है। आपके पिक्चर में तो बहुत नीला दिख रहा है, मेरा इतना नीला क्यों नहीं है? तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है? एग्जैक्टली, वो तो नीला क्यों नहीं आ रहा? ये तो लग रहा है काला। यू आर राइट। जनरली 300 ml के लिए हम बनाते हैं, आपको 120 ml ही दिया है तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा। मेरी थोड़ी थोड़ी गुलाबो हो गई है अमन की तरह। यार अच्छी है, क्या बात है। अमन ने कह दिया। अमन, यू लाइक्ड इट? Oh my God! अरे he liked it because उसमें नींबू है इसलिए। देखो भाई, अपना क्या है ना, अपना है एजी तो ओजी, ओरिजिनल। ये नहीं सारे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पैसे नहीं देंगे, बहुत अच्छा है। पर आपकी पैकेजिंग जबरदस्त है। इसमें जो फॉन्ट्स यूज किए हैं, कलर कॉम्बिनेशन, एंड जो लैवेंडर एंड वो डिफरेंट फ्लेवर्स के अलग अलग कलर्स हैं, इट्स ब्यूटीफुल। पैकेजिंग दिखा सकते हो आप थोड़े प्रोडक्ट के? श्योर, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। हाँ दिखा दो यार, प्लीज। पिंक, इट मैचेस योर जैकेट। दिस इज सो द वन यू ट्राइड इज लैवेंडर। या लैवेंडर। सर ये हम लोग इसको सुखाते हैं एंड ये सूखने के बाद ऐसे बन जाते हैं, उसको फिर हम लोग टी बैग फॉर्म में दे देते हैं। आपको कैसी लगी चाय? बढ़िया, चाय बहुत बढ़िया लगी मेरे को। एक बात का जवाब दीजिए, आपने एक बहुत बड़ा क्लेम किया और ये बिल्कुल झूठ है। नहीं। आपने कहा आप दुनिया के फर्स्ट ब्लू टी ब्रांड है एंड आई डोंट एग्री विद दैट। मैं कुछ साल रह के आया हूँ अमेरिका में। हाँ। मैंने काफी ब्लू टी पी है, बिल्कुल व्हाइट टी होगी है, पिंक टी पी है यूएस में। जी जी। ब्रांडेड ब्लू टी बहुत मिलती है, तो आपने कैसे क्लेम कर लिया? तो हमारे पास सर ट्रेडमार्क भी इंडिया में भी है और यूके में भी है। नहीं, I agree with you. You are doing gimmickry. That's why I'm calling you out. आपने ब्लू टी का नाम ट्रेडमार्क कर लिया। जी। ठीक है, इसलिए आप ये सब दावे कर रहे हैं। नहीं 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 सर, नहीं, हमने आपको पहले ही बताया, इससे पहले भी मलेशिया थाईलैंड में था। इसमें भी कोई ब्रांड ऐसा सच नहीं है, लोग बेचते हैं, ऐसे सेलर बेचते हैं। सर शादियां तो पहली भी हो रही हैं, आपने जिस तरह इसको ब्रांड किया। ए तो, भाई ये सब तिकड़मबाजी मत करो। सर वो तो सही, आपने जो क्लेम किया, गुड ट्राई और वी गॉट टू ट्राई, वी गॉट टू ट्राई। अभी आप बताइए आपके पास फ्लेवर्स कितने हैं? इंडिया में वी हैव 50 फ्लेवर्स। 50। वाओ। यूएस में भी है 35। बटरफ्लाई पी जो ब्लू टी है उसमें 10 फ्लेवर्स हैं। इतने फ्लेवर्स का लॉजिक क्या है? जैसे लोग सर्च कर रहे हैं जिंजर टी, अब हम सोचते हैं अदरक चाय कौन पिएगा, लेकिन यूएस में इतना ज्यादा सर्च हो रहा है, हम लोग लॉन्च कर देते हैं। टीम ब्लू टी आपकी सेल्स कितनी है जो आपने 75 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है? हमारी मंथली सेल 1.5 CR की है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पिछले 3 महीने कितनी है? लास्ट 3 मंथ से इज द ओनली फेज वेयर वी हैव slowed down a bit. Why you stuck at 1.5 crore? हम लोगों का मेजर सेल मार्केट प्लेसेस से आता है, ठीक है। लास्ट 3 महीने 4 महीने से मार्केट प्लेस में ट्रैफिक कम हुआ है, जैसे मार्केट ओपन हुआ है लोगों ने स्टेपल जो है वो ऑफलाइन खरीदना स्टार्ट किया है, लेकिन वेयर अदर ब्रांड जो हमारे साथ साथ रहते हैं देयर सेल हैव ड्रॉप डाउन बाय 30% 40%, वी आर स्टिल देयर। और हम लोग क्यों? क्योंकि 80% बाहर से आता है और 20% इंडिया से आता है। लास्ट 3 साल में हम लोग कंटिन्यू ग्रोथ रही। 2020 में हमने किया 50 लाख, 2021 में किया हमने 2 करोड़, 2022 में किया हमने 10 करोड़, इस साल 2023 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 करोड़ हम टच कर लेंगे। पिछले महीने कितना बना ये बता दो। 1.5 करोड़ किया ना आपने, कितना बना? हमारा 19% नेट मार्जिन है। तो कितना 30 लाख घर में बच गया? जी हाँ, घर में खर्च कर देते हैं, फिर खर्च कर देते। एक ब्रांड को 80% ग्लोबल बनना विदिन 2 years आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। तो कैसे किया आपने? हमारी सेल Amazon से आती है, Amazon पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। और इंडिया में कैसे होती है? Amazon और Flipkart। Amazon, Flipkart, Big Basket और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ग्लोबली एवरीथिंग इज Amazon, इन इंडिया दे हैव अदर चैनल्स। अच्छा, तो 30 लाख सारा आपका इन प्लेटफॉर्म की एड्स में जाता है? जी जी। तो एड में अगर मैं बेस्ट सेलर रैंकिंग देखूंगा तो आप कहाँ होंगे? सर नंबर 1 पे ही है। ब्लू टी तो ज्यादा लोग बनाते नहीं, हर्बल टी सर्च कर लीजिए आप, हर्बल टी सर्च कर लीजिए। हम इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट Amazon पे नंबर 1। अगर आप नंबर 1 पे हो दैट मींस द डिमांड इज लिमिटेड। द डिमांड इज लिमिटेड। सिर्फ हर्बल टी इंडिया में मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में हर्बल टी अभी भी अडॉप्ट हो रहा है। नहीं तो आप और अगर एएमएस में पैसे डालो तो आपकी और सेल हो सकती है। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं करी और सेल? आप लिमिट क्यों क्या कर रहे हो? पैसा डाल रहे हैं तभी तो। नहीं, सारा पैसा ना डाल रहा हूं, मतलब मैं और पैसा डाल सकते हो ना आप उसी के लिए तो आए हैं यहां पे पैसे डालने। अरे मेरे भाई तुम लोग स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट बन बनाओ। ये जो नंबर 1 वाली आपकी चाय है इसकी रेटिंग कितनी है? 4.3। और कितने रिव्यूज हैं? 8500 रिव्यू रेटिंग है। 8500 एंड उस 4.3 है। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कितने देशों में बेच के? 12 देशों, 12 कंट्री। पर स्प्लिट कैसा है? यूएस इज अराउंड 60%। 60% यूएस है। वाओ। ओह, तो टी कंजम्पशन तो इंडिया में ज्यादा होगी ना? इस टी की कंजम्पशन बाहर ज्यादा है। यार एक बार मेरे को ना थोड़ा समझाओ कि ग्रीन टी कितने की आती है, आपकी टी कितने की आती है, नॉर्मल टी कितने की आती है, ताकि समझ में तो आए प्राइस कंपैरिजन क्या। अगर आप 50 ग्राम का हमारा जो एक पैक लेते हो तो वो 400 रुपए का आता है। 800 रुपए 100 ग्राम आएगा मतलब, है ना? नॉर्मल चाय कितने की आती है? नॉर्मल चाय भी 100 ग्राम आती है, 100 रुपए की। और बीच में ग्रीन टी कहीं आएगी? 200 रुपए ग्रीन टी, 200 हमारी, चलो 800 रुपए की। 800 200 800 है ना? करेक्ट। लेकिन ग्रीन टी का जो क्वांटिटी होता है वो 1 कप बनता 2 ग्राम, लेकिन ब्लू टी 0.5 ग्राम में एक कप बन जाता है। वो जो पैक हमने रखा वो 50 ग्राम का है, उसमें हर एक ग्राम में यू कैन मेक 2 कप्स। सो इट इज लाइक 50 ग्राम में यू कैन मेक 100 कप्स। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जब मेरे को दिया है तो कंज्यूमर यहाँ लिखा है 10 पिरामिड टी बैग, 16.5 ग्राम का क्वांटिटी। जी जी, 1.65 ग्राम्स पर बैग लगा मेरा। करेक्ट करेक्ट। अब इसको रीयूज से करूँगा नहीं, एक बार मैंने यूज़ किया। आप 0.5 ग्राम बोल रहे हो, यहाँ से 3 गुना आपने पैक बना के दिया है, तो आप सच क्यों नहीं बोल रहे? आपने इसमें कम क्यों नहीं डाला, आधा ग्राम क्यों नहीं डाला? इसमें फ्लेवर है सिनेमन का, तो उसका सिनेमन का 1 ग्राम उसका होगा, हाफ ग्राम उसका। आपने लिखा है पैकेट पे 16.5 ग्राम्स ऑफ टी, ठीक है? जी जी। तो एक पैकेट में 1.65 ग्राम्स ही हो ना चाय, नॉट जस्ट सिनेमन। करेक्ट, सही सही सही, वो नंबर सही है। तो क्यों बोल रहे हो आप 1 ग्राम सिनेमन? करेक्ट, आप झूठ बोल रहे हो। भाई भाई, आपकी एक प्रॉब्लम है, आप सीधा साधा जवाब नहीं देते हो। करेक्ट, टू गेट अ सिंपल आंसर फ्रॉम यू बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अस, राइट? ऑफ कोर्स डू अ गुड पिच, लेकिन साथ साथ में आप शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग खाली तमाशा करने नहीं बैठे हैं, आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने बैठे और सपोर्ट करना चाहते हैं फाउंडर्स की। बट यू हैव टू गिव अस अ चांस। आपने बातें इतनी घुमाई कि मैं वो बातें तक पहुंच ही नहीं पाया जो मुझे करनी थी। For that reason, I'm out. Good luck for the future. एक आपने टर्म सुने, टोपी बाज, सुने आपने ये टर्म? समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो। अगर लंबा खेलना है ना इनिंग, तो भरोसे की इनिंग खेलनी पड़ेगी। यहाँ ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आप। आज केवल इस वजह से मैं आउट हो रहा हूँ, वरना 100% डालता मैं। धंधा आपने अच्छा बनाया। आप दोनों में काम कैसे डिवाइड होता है? I am the CEO। और आप क्या करते हो? मैं CEO हूँ, CMO। अच्छा, ऑपरेशन होता है। बेसिकली डिवाइड कैसे करते हो काम? I look for selling the product on different markets। किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, कैसे बेचेंगे, ऐसे। और आप? मैं टीम बनाता हूँ, कल्चर रखता हूँ। तो आप दोनों के बीच में इक्विटी स्प्लिट कितनी है वैसे? I own 55%। I 45%। अच्छा, बट आप लोगों ने एम्प्लॉइज ईसॉप पूल नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया, बनाना। कल्चर की बड़ी बातें करते हो, कल्चर तो आप गलत ही मेंटेन कर रहे हो स्टार्टअप का। सर बना लेंगे सर, हम भी बना लेंगे। ज्ञान दे रहे हो हमारे को। हाँ। नहीं सर, कोशिश है, कोशिश है ज्ञान देने की। मैंने डिसीजन बना लिया है, इंडिया में बैठ के 18 करोड़ के टर्नओवर में ऑलमोस्ट 14.5 से 15 करोड़ ग्लोबल मार्केट से आपने बनाई है। सो दैट इज अ बिग लेसन कि इंडिया से इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड आपने बनाया है। बट एट अ पर्सनल लेवल मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, अपने चाय में दूध और लेमन ग्रास और सब, तो उस वजह से पर्सनली आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो ये जो आपका नेम है, यही अभी लगता है एक शायद बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हो सकता है। अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वाला डर है जो बोर्ड मीटिंग में भी जो फाउंडर घुमाते हैं इन्वेस्टर्स को, डर लग जाता है थोड़ा। नंबर्स खराब हो पर सच्चे हो ज्यादा जरूरी होता है दैन अच्छे बट झूठ नंबर। मतलब झूठ नहीं बट एग्जैजरेटेड थोड़ा। तो अभी के लिए तो ये, इसमें मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक टीम ब्लू टी। चलिए अमन। अमन आप बचे बस अब। नितेश कैसे संभालते हो इसे? आई थिंक अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो बहुत कुछ गलत बोल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये स्टेज पे आएगा तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसकी, तो इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी। बट नहीं, इसकी ऑनेस्टी, सच बोल रहा है। और हमारा ये एस्पिरेशन है कि हम शायद 30 करोड़ ना कर पाएँ, 25 कर लें। ये वाली ह्यूमिलिटी है ना, आप पहले लेके आते तो बहुत अच्छा होगा। चलो, अभी भी अमन है, वो देगा शायद। अमन सर चाय बनाएंगे सर, और ये सब तोड़ना चाहते हैं। प्लीज सर कम ऑन बोर्ड। आई एम थिंकिंग द रीजन व्हाई आई लाइक यू गाइस फॉर नाउ इज बिकॉज नितेश जैसे मेरा भी को फाउंडर है ना, वो आपकी तरह है थोड़ा, वो भी सहमा हुआ इंसान है और वो मेरे को ना कंट्रोल करता है। तो वहीं पे एक बैलेंस की बहुत जरूरी होती है। को फाउंडिंग टीम एंड आई लाइक योर टीम। चल ठीक है, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वेदर यू गाइज नीड अ शार्क और नॉट। इट विल बी 15 lakhs फॉर 5% एंड रेस्ट विल बी डेट एट 12%। कैन वी डिस्कस दिस फॉर 2 minutes? हाँ हाँ, डिस्कस करके आप जाइए। 25 करोड़ का सेल्स को 3 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहा है। तो 30 करोड़ की कंपनी को 3 करोड़। जल्दी जल्दी बता। I thought it was 30. हाँ तो। I'll give a 30 lakh and a 45 lakhs. Aman, thank you for the offer. We have a counter offer. हाँ हाँ बोलो। 50 lakh for 2% and rest can be taken. No. I'll give you a final offer. 50 lakhs for 3%, बाकी debt at 12% interest. Okay. All right. So, रुक जाए. You got a D2C guru. Congratulations. Cheetah है. चीता भी ग्रीन टी पीता है। ब्लू टी। बट भाई तू कम बोला कर, पागल कर दिया। आपके संगत में। Good job.